प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वह विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश आगमन से पहले ही बीजेपी सांसद उमा भारती की मांग ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल उमा भारती महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी मुखर हैं। वह महिला आरक्षण विधेयक की तरह ही ओबीसी आरक्षण की मांग करती रही हैं। आज जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं, उससे पहले ही उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ओबीसी आरक्षण की मांग कर पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। आपको बता दे, उमा भारती ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जी का भोपाल की धरती पर स्वागत। वह गरीबों एवं पिछड़ों के मसीहा है। मुझे यकीन है कि वह महिला आरक्षण बिल में ओबीसी आरक्षण बिल पर सकारात्मक संकेत देकर जाएंगे। बता दे, उमा भारती इससे पहले भी महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी राय रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि महिलाओं के लिए 33% रिजर्व सीटों में से 50% SC ST और OBC महिलाओं के लिए अलग से रखी जाए।